अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या नाम है आपका जी? अल्लाह साहब भाई, ये सुबह सुबह आप भेड़ों के अंदर बकरी को साथ लेके आए हुए हैं, ये भेड़ें आपकी हैं? कितनी भेड़ें हैं आपकी? उर्दू आपको समझ आती है? फेवर्स ये चोरिस्तान में भाई रहते हैं तो उर्दू तो समझ नहीं आती, मैं उनके साथ बैठ के बात करता हूँ क्योंकि ये लोग गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों या अपनी ज़िंदगी चोरिस्तान में ही बसर करते हैं जानवरों के साथ, तो इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, लिहाजा मैं उनसे। अच्छा अल्लाह साहब भाई, ये थोड़ी जो भेदा है ना, ये कितनी टोटल भेदा है? वो उन साइड पर जो बैठे वो भी थोड़ी है? अच्छा ये बकरियाँ तो भेदा कट्ठे क्यों ला लेना रखा है? अच्छा ये जेडे ये मतलब घर बना खड़े थोड़ा थोड़ी हम पर जो बच्चे हैं उन्होंने को भी तुम लाल रखा है? अच्छा इन्हों के मतलब इन्हों को चुआई करें दुध शुद्ध कितना होनी है? अच्छा 400-500 पर भेज देते इन्हें मतलब सारी तो चाह बन गए? अच्छा एक मैं देखा पाया कि कुछ जिन्हें भेड़ा है इन्हों को तुसा रंग लाया है, कहीं तो सिर के उत्ते लाया है, कहीं के उत्ते उन्होंने गर्दन पर लाया है, कहीं के उत्ते उन्होंने दुब पर लाया है। अच्छा रंग भी मुख्तलिफ है, इनकी क्या कि चीज़ वास्ते? अच्छा तुम्हारा आखण का मकसद ये कि जो लोगों के दूजे जानवर हैं उन्होंने शामिल न थी वाले बस बाबू जरा मसला पा सके खिलाश कर शामिल। इस भाई का कहना है कि ये इन्होंने मुख्तलिफ भेड़ों को रंग लगाया हुआ है, तो उसमें ये इनका कहना है कि ये अगर दूसरी जानवरों में शामिल हो जाए तो हमें दुश्वारी का सामना हो सकता है, लिहाजा इसलिए हम रंग लगाते हैं ताकि हमें मसला। तो ये आपको दिखाता हूँ, मैंने देखे किसी के ऊपर येलो कलर है, किसी के ऊपर नीली कलर है, हरी कलर है, तो मुख्तलिफ कलर के जो भेड़े हैं। तो अच्छा अलाफ साहब भी इन्हों को कितनी देर तुम हाल ही थे प्लेस हो उस बाद वाल क्या करे तुम? अच्छा इन्हों के नाल तुसा मेरे मैं अक्सर जिस चोलिस्तान के इन्हें भेड़ों के नाल कोई बंदा भी कह नहीं आता, एक कलियाँ वजह। अच्छा तुसा नाल वेंदे हो? अच्छा इन्हों का कोई जानवर खतरा खतरा होते भी कोई इन्हों को? अच्छा इनका कहना है कि हम इनके साथ जाते हैं, लोग अक्सर इनको छोड़ भी देते हैं क्योंकि गिद्दड़ यहाँ होते हैं वो काफ़ी मालिक का फ़ायदा उठाते हैं, अगर ना हो तो ये इनको इनके बच्चे या जो कमज़ोर हो उनको उठा लेते हैं यहाँ से खा जाते हैं, लिहाजा ये इनके केयर के लिए इनके साथ जाते हैं, अगर ना भी जाए तो इनकी भेड़े शाम को वापस करके उठा जाते हैं। तो ये जो भाई अल्लाह साहब भाई ने अपनी फैमिली के साथ यहाँ रिहाइश पर भी रहे, पीछे आपको नज़र आ रहा है डोबा इनका है, रिहाइश का इनकी है, तो दूसरी साइड की इनकी बस्ती है जो उनके रिश्तेदार और जो दोस्त आए हुए हैं उनके जानने वाले उन्होंने भी मुख्तलिफ साइड के डेरे लगाए हुए हैं वीरों साहब। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि अभी मुझे गायें वगैरह बहुत कम नज़र आई हैं यहाँ, उसकी क्या वजूहत है, ये क्या क्या वजह है, मैं पूछता हूँ इनसे। अच्छा अलावा साहब भी मैं देखा पाया कि इतना कर बड़े जड़े जानवर हैं गई वगैरह वो नज़र नहीं आया। अच्छा बारिश कर रहे ये कर अच्छा इतना माल रखी में गुजारा शुजारा ठीक नहीं ना अगर कितना दूर होगी 40-50 किलोमीटर इतने दूर है, यानी कि बारिशों के ज़्यादा से ज़्यादा बड़े जानवर नहीं ज़्यादातर चले इतना पानी शानी पीवन के टाइम आ रहे। इनका कहना है कि अभी गर्मी पड़ रही है, जो जानवर हैं वो आगे चले गए हैं, बारिशें यहाँ कम हुई हैं आगे बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से आएंगे थोड़ा लेट आएंगे। तो जैसे ही वो आएंगे मैं आप वो भी दिखाऊंगा। चलता हूँ मैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।